सेलेक्ट करना उसको ऑर्गेनाइज करना और उसको इंटरप्रेट करना ताकि हम एक मीनिंगफुल क्रिएट कर सके उसको हम परसेप्शन कहते हैं परसेप्शन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिससे आप अपने सेंसेशन को सेंसेशन कहाँ पे आएंगे आपके सेंसरी ऑर्गन पे आप टेस्ट कर सकते हैं आप देख सकते हैं आप सुन सकते हैं आप सुन सकते हैं आप, आप महसूस कर सकते हैं ये सारे आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उनके थ्रू ये सेंसेशंस क्रिएट होते हैं और सेंसेशंस को फिर आप एक ऑर्गेनाइज uh, करते हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में करके और फिर उसके हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं चीजों को ये कैसे होता है हम इसको आगे समझेंगे लेकिन बेसिकली यहाँ पे इसको क्यों पढ़ रहे हैं परसेप्शन पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्या है uh, जब भी हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं तो कंज्यूमर बिहेवियर में अगर आपको ब्लैक बॉक्स मॉडल याद हो तो उसमें आपने देखा होगा कि जब भी कोई इंडिविजुअल का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें जब भी वो ऑल्टरनेटिव को इवेलुएट कर रहा होता है तो वहां पे उसके internal और external दोनों काम करते हैं। internal में आ जाता है उसका perception, personality, motivation, attitude, learning, तो उसी में से एक कड़ी है परसेप्शन तो परसेप्शन क्या होता है आपने समझा अब ये कैसे इफेक्ट करेगा आपको मतलब एज अ कंज्यूमर परसेप्शन कैसे इफेक्ट करता है तो परसेप्शन का मानना है ऐसा एज अ कंज्यूमर ऐसा देखा गया है कि वेन वी बाय समथिंग इट इज नॉट बिकॉज इट इज द बेस्ट थिंग वी बाय बिकॉज वी परसीव इट टू बी हम जो दुकान में बहुत सारी चीजें हो सकती होती है ना लेकिन आपको जो सबसे अच्छा लगता है वो हो सकता है कि जो दूसरा कोई लेने आया उसे नहीं अच्छा लगा था और तभी तो वो छोड़ के गया तभी तो आपने ले लिया तो परसेप्शन बेसिकली बाइंग प्रोसेस को बहुत इफेक्ट करता है उसके बाद क्या आता है कि ये हमारे व्यूज को इफेक्ट करता है जब भी जो भी जो परसेप्शन है आपका उसके हिसाब से आपके आपके व्यूज फॉर्म फॉर्म होंगे आपके विचार फॉर्म होंगे विचार और उसके हिसाब से आप अपने डिसीजन मेकिंग लेंगे और अल्टीमेटली हमें किसे काम करना किस पे काम करना है हमें तो डिसीजन मेकिंग पे ही काम करना है और परसेप्शन हमेशा आपके नीड को डिफाइन करेगा मतलब वो आपके नीड के इन्फ्लुएंस से ही आपका परसेप्शन बनता है तो एज अ मार्केटर आपको पता चलेगा कि जो नीड का स्केल है वो किस तरफ मूव हो रहा है लोग किस तरफ ज्यादा ध्यान लगा रहे हैं कि, किस चीजों के प्रति उनका परसेप्शन पॉजिटिव है किसको लेकर के उनका नेगेटिव कंस्ट्रक्ट है ये आपको परसेप्शन पढ़ के आपको पता चलेगा या इसके बारे में स्टडी करके रिसर्च करके ऑब्जर्व करके ही आप पता कर सकते हैं तो विल सी व्हाट इज अ प्रोसेस कैसे परसेप्चुअल प्रोसेस काम करता है या परसेप्शन कैसे फॉर्म होता है तो सबसे पहले आपके स्टीमूली स्टीमूली क्या हो गई साइट साउंड स्मेल टेस्ट एंड टेक्सचर मतलब आईज ईयर्स, नोज आपके आपका टंग और आपका स्किन ये सारे सेंसरी ऑर्गन्स आपके स्टिमुली क्रिएट करते हैं और आपका सेंसरी रिसेप्टर्स उसको उसके थ्रू सेंसेशंस क्रिएट होंगे और सेंसेशन से होता है अटेंशन अटेंशन के बाद उसको हम इंटरप्रेट करते हैं और वो इंटरप्रेट करके एक मीनिंग बनाते हैं उससे और उस मीनिंग से से ही आपका आएगा और परसेप्शन फॉर्म होगा जैसे आप कोई चीज दो मान लीजिए दो जगह आप पुचका खाने के लिए गए तो उसका पुचका अच्छा उसका दूसरे वाले का पुचका खराब ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये उसके टेस्ट से आइडेंटिफाई करते हैं तो वो जो टेस्ट है आप दोनों दोनों जो दुकानदार है या दोनों जो पुचका वाला है टेस्ट को कंपेयर करते हैं और पूरा प्रोसेस को लेके जाते मतलब आपका रिसेप्टर काम करेगा मतलब आपकी जीव ने आपको बताया कि उसका जो पुचका था वो ज्यादा टेस्टी था लेकिन ये हो सकता है ये इंडिविजुअल ये सिर्फ आपके लिए होता है आपको तीखा ज्यादा पसंद है तो आपको हो सकता है जो दूसरा दुकान में आया उसमें उसको वो तीखा नहीं पसंद हो तो ये डिपेंड करता है कि सेंसरी रिसेप्टर कैसे काम करते हैं

Uh, जब आपने देखा होगा कि परसेप्शन बन बनता है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपने रिस्पॉन्स को किस तरह से लिया तो परसेप्चुअल रिस्पॉन्सेज तीन तरह के हो सकते हैं एक तो सिलेक्टिव अटेंशन हो सकता है सिलेक्टिव अटेंशन में क्या होता है कि इट ऑकर्स वेन कंज्यूमर फोकस ऑन सम मैसेज टू एक्सक्लूजन ऑफ अदर्स मतलब दिन भर में दस बीस पचास एडवर्टिजमेंट आ रहे हैं लेकिन हमको कुछ कुछ चीजें याद रह जाती है कुछ कुछ पे हमारा ध्यान चला जाता है आप किसी जैसे मान लीजिए आप एक मार्केट कॉम्प्लेक्स में गए और मार्केट कॉम्प्लेक्स में बहुत पूरे लाइन सिर्फ कपड़ों की दुकानें हैं उस सबने मिनी क्यून में, में कपड़े लगा के रखे हैं लेकिन किसी पर्टिकुलर स्टोर पे आपका ध्यान चला जाता है तो उसको हम कहते हैं सिलेक्टिव अटेंशन और फिर सेलेक्टिव डिस्ट्रॉशन आपके पास बहुत सारी चीजें जब बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आ रहा है तो इन्फॉर्मेशन को वी हैव अ टेंडेंसी टू ट्विस्ट दिस इन्फॉर्मेशन इन टू अर ओन मीनिंग हम अपने प्री कंसेप्शन में चीजों को अपने आप घुमा फिरा के ट्विस्ट करके और रिस्पॉन्सेज uh, को डिस्टोर्ट भी करते हैं जैसे मान लीजिए कि आ, आपका कोई फेवरेट चाय वाला हो और आप वहां उसके पास चाय पीने जा रहे हो और आप मान लीजिए एक दिन अपने फ्रेंड को बोले कि नहीं चलो उसकी चाय बहुत अच्छी होती है और उसके साथ आप गए और वहां जाके जब आपने चाय पिया तो उस दिन हो सकता है आपका टेस्ट अच्छा ना ठीक है तो आपका प्री कंसेप्शन क्या है कि ये तो चाय बहुत अच्छा बनाता है तो उस अपने दोस्त को बताना है कि भाई ये तो अच्छा बनाता है तो हम उसको डिस्टॉर्ट कैसे करेंगे ट्विस्ट कैसे करेंगे हो सकता है कि कुछ आज मिल्क हो, हो सकता है लगता है इसका जो uh, कुक है वो कुक नहीं आया है जो चाय बनाने वाला है वो वो सही नहीं है चेंज हो गया नहीं तो अदरवाइज ये बहुत अच्छा बनाता है तो वी वोट वी यूजअली डू इट वी यूजली ट्विस्ट इन्फॉर्मेशन इन ओन पर्सनल मीनिंग्स और फाइनली Selective retention. Selective retention क्या होता है कि जब आपने में दस कपड़े देखे हैं, उसमें से हो सकता है कि कोई कोई पर्टिकुलर पर्टिकुलर कपड़ा हो, कोई एक हो, एक जो आपको हमेशा याद रह जाता है वो याद में रह जाएगा आपके तो सेलेक्टिव रिटेंशन ऑकर्स वेन कंज्यूमर रिमेम्बर सम इन्फॉर्मेशन वाई रेपिडली फॉरगेटिंग अदर्स दिन भर में पचास एडवर्टीजमेंट हाँ देखा लेकिन कोई ना कोई कोई एक जिंगल है जो आपके जबान पे रहेगा कोई एक पंचलाइन है जो आपको याद रहेगा कोई एक ब्रांड इंडोर्सर है जो आपको याद रहेगा कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो आपको याद रहेगा तो उसको हम कहते हैं तो परसेप्शन डायनेमिक्स होते हैं सेंसेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन मतलब जब भी हम उसके डायमेंशन की बात करें तो हाउ सेंसेशन आर क्रिएटेड

खाने पीने की चीज है तो उसमें से स्मेल भी आनी चाहिए अच्छी वो दिखना भी अच्छा चाहिए है ना और वो टेस्ट तो अच्छा होना ही चाहिए ये तीन तरह की तो होनी चाहिए अब दिखने वाली मतलब खाने वाली चीज सुनाई नहीं देगी आपको चल उतना इफेक्ट नहीं करता लेकिन उसका स्मेल उसका टेस्ट और साइट मतलब दिखना ये तीनों स्टमुल आपके लिए बहुत काम करेगी तो प्रोडक्ट की पैकेजिंग कहाँ पे जाता है अब उसको प्रोडक्ट में अगर अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो प्रोडक्ट की पैकेजिंग प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन उसका प्रमोशन उसका ब्रांड उसका इमेज उसका लोगो उसका इंडोर्सर उसका जिंगल ये सारी चीजें आपके लिए नेचर ऑफ करेगा उसके बाद आता है सिलेक्टिव एक्सपोजर आप कैसे सेलेक्ट करते हैं चीजों को आप उतने ही चीजों से सेलेक्ट कर सकते हैं जितना की एक्सपोजर हो आपको राइट right? आपको खाना बहुत पसंद है लेकिन अगर आप नॉर्थ इंडियन खाने वाले हैं नॉर्थ इंडियन है तो हो सकता है कि आप वही राजमा के वैरायटीज में आप चेक कर रहे हो वही आपका सिलेक्टिव एक्सपोजर हो आप बंगाली हैं तो मछली के बहुत सारे प्रकार में ही आपका सिलेक्टिव एक्सपोजर है हो सकता है आपको नहीं पता कि रसम किस तरह से बनती है या रसम हो सकती है कि ज्यादा टेस्टी हो तो आपका एक्सपोजर कितना है इस पे भी आपका परसेप्शन डिपेंड करता है आपको नेल कलर्स पसंद है और अपने आप दस तरह के ब्रांड लगाए हैं लेकिन हो सकता है आपने ब्रांड कभी लगाया नहीं है जिसके बारे में आपको मालूम ही नहीं है तो आप उसके बारे में कोई परसेप्शन बना ही नहीं सकते तो एक्चुअली सिलेक्टिव एक्सपोजर ये आपके सिलेक्शन में हेल्प करेगा उसके बाद आपका एक्सपेक्टेशन क्या है मतलब ब्रांड से आपका क्या एक्सपेक्टेशन था उसने आपको एक्सपेक्टेशन को पूरा किया या नहीं पूरा किया इससे ही आपका एक्सपीरियंस फॉर्म होगा और ये जो एक्सपेक्टेशन है वो उसका ड्राइव क्या होता है मोटिव आप किस मोटिवेशन से पर्टिकुलरली उस ब्रांड के पास गए या वहां पे गए हैं या क्यों आपने उस पर्टिकुलर चीज को सेलेक्ट करा वो बेसिकली आपके मोटिवेशंस पे डिपेंड करता है एंड दैट टू इंपॉर्टेंट थिंग इन परसेप्चुअल सिलेक्शन फर्स्ट इज परसेप्चुअल डिफेंस एंड सेकंड इज परसेप्चुअल ब्लॉकिंग परसेप्चुअल डिफेंस में हम क्या करते हैं कि हमने अपने आप को पहले से हमारा जो ब्रेन है वो उस तरह से फंक्शन करता है या उस तरह से कंडीशन हो जाता है कि हम किसी भी तरह का वॉयलेंस किसी भी तरह की ऐसी चीज जो हम नहीं सुनना चाहते या नहीं महसूस करना चाहते उसका सेंसेशन नहीं चाहते कि वो क्रिएट हो हमारे सेंसरी ऑर्गन पे हम उससे अपने आप दूरी बना लेते हैं हम अपने आप को उससे दूर रखते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं परसेप्चुअल डिफरेंस जैसे हो सकता है कि लाइक योर मदर उनका परसेप्चुअल डिफेंस है कि वो एवेंजर्स नहीं देखती उनको वो मार धार वो इस तरह के इन ब्लैक नहीं नहीं देखती उनको वो गंदे गंदे बड़े बड़े जानवर पसंद नहीं। तो word, तो दैट दैट इज इज परसेप्चुअल डिफेंस बेसिकली एक परसेप्चुअल डिफेंस होता है दूसरा होता है परसेप्चुअल ब्लॉकिंग परसेप्चुअल ब्लॉकिंग में क्या होता है कि जब आपके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन आ रहे हो तो आप क्या करते हो ऑटोमेटिकली फिर उस जगह से अपने आप को दूर करना चाहते हैं कभी कभी एडवर्टीजमेंट तो देख लियाजमेंट देखे है तो आप क्या होते हैं बोर हो जाते हैं या फिर अपने आप को उससे दूर करना चाहते हैं तो वैसे केस में आप क्या करते हैं आप टीवी बंद कर देते हैं आप गाना सुन रहे हैं बीच में एड आने लगता है यू लाइक इट यू ऑटोमेटिकली स्विच टू डिफरेंट चैनल राइट right? तो वहां पे क्या है कि आप सेलेक्ट नहीं कर रहे वहां पे क्या है आपने ऑटोमेटिकली किसी चीज को रिजेक्ट किया अगर आपके पास सौ चीजें हैं उसमें से अगर आपने थर्टी चीजों को रिजेक्ट किया तो जो सिलेक्शन किस में होगा बाकी के सेवेंटी चीजों में तो इस प्रोसेस को कहते हैं परसेप्चुअल सिलेक्शन उसके बाद आता है परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक टेंडेंसी होता है लोगों को चीजों को ग्रुप करने का उसको एक यूनिफाइड होल देने का हम कोई भी पिक्चर कभी भी इमेजिन करते हैं तो हमेशा बैकग्राउंड भी होता है फिगर भी होता है मतलब अगर मान लीजिए आपको एक लक्स से नहा के आप आ रहे हैं क्योंकि आपने लक्स का एडवर्टीजमेंट देखा था तो आपने उसको लक्स को खरीदा और सोचे कि भाई हमारी स्किन तो एकदम कटरीना कैफ जैसी हो जाने वाली है तो कटरीना कैफ सिर्फ कटरीना कैफ नहीं आती साथ में में ग्रुप आपको लक्स का सोप भी दिखेगा आसपास का माहौल भी दिखेगा बहुत सारी चीजें हैं जो आपके दिमाग में बैठ जाती है तो ये बेसिकली इसको हम जस्टाल साइकोलॉजी कहते हैं और इसको जस्टाल साइकोलॉजी फॉर पर परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इस टर्म को कहा जाता है और उन्होंने ऐसा जस्टाल ने जो थ्योरी दी थी अपनी तो उसमें उन्होंने लिखा कि जब भी कोई परसेप्शन को ऑर्गेनाइज करता है तो उसको तीन तरीका होता है जिससे कि वो परसेप्शन करता है पहला होता है फिगर फिगर इन इन ग्राउंड ग्राउंड फिर का मतलब क्या होता होता है है कि हम चीजों को जो हमारा मेन फोकस उसको हम एज अ फिगर देखते हैं और उसके आसपास की चीजों को एज अ बैकग्राउंड देखते हैं जैसे मान लीजिए आपको आपने कभी देखा होगा आइसक्रीम का एडवर्टीजमेंट तो आइसक्रीम में जब भी आप एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं तो पूरा फोकस किसके नहीं कि आसपास की चीजें ले रहे एक एक, हैं तो फ्लावर का पिक्चर के लिए होकर के हो 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 तो आप क्या करते हैं पूरा फोकस एक फ्लावर के ऊपर करते हैं अगर आपने पूरा फोकस उस फ्लॉर के ऊपर नहीं किया और अगल बगल की चीजों को आपने ब्लर नहीं किया तो वो पिक्चर क्या हो जाता है फिर पूरा पार्क का पिक्चर हो जाएगा

व्हील के ऊपर होता है आस पास नानी दादी क्या घर है कैसा घर है इन सारी चीजों को उतना फोकस करके नहीं दिखाते ठीक है तो कोई किसी भी तरह का जब भी आप एडवर्टीजमेंट कोई खासकर प्रिंट में आपको फिगर एंड ग्राउंड का अंतर बहुत अच्छे से पता चलेगा कि जिस भी चीज को दिखाना है उसका कलर जो उसके बैकग्राउंड है उससे एकदम कॉन्ट्रास्ट रहेगा ब्लैक एंड व्हाइट येलो एंड रेड इस तरह के कॉम्बिनेशन यूज किए जाते हैं लेकिन ग्रीन के ऊपर कोई लाइट ग्रीन ग्रीन के ऊपर ऑरेंज इस तरह का कलर कॉम्बिनेशन यूज करते हैं मार्केटिंग में कलर साइकोलॉजी करके एक अलग सब्जेक्ट है मार्केटिंग में पढ़ते हैं तो अगर आप वो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट नहीं करते तो लोग आपके फिगर ग्राउंड में भी उसको डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट नहीं करेंगे तो एज अ जो आपका कंज्यूमर होता है वो हमेशा चीजों को उस तरह से से ही देखता है 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 हिसाब ग्रुप करता है. तो यू नीड टू चेक ऑन दिस उसके बाद आती ग्रुपिंग ग्रुपिंग जैसे आपने कोको कोला का एडवर्टीजमेंट देखा है तो कोको कोला क्या कहता है हैप्पीनेस राइट right? तो वो हैप्पीनेस क्या हुआ है? अकेले कोई कोको कोला पी रहा है तब आ रहा है या फिर जैसे कोको कोला होता है तो आसपास में हम पूरा ग्रुप दिखाते हैं राइट right?

तो उसमें हमेशा आप देखेंगे कि इट इज इज ऑलवेज अ फैमिली हु लुकिंग अप टू पर्सन जो भी वो बाइक चला चला रहा है या चला है या होंडा शाइन के जाता तो हमेशा आपका जो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किस परपज से है वो क्या काम करेगा उसको हम पर्टिकुलर एक ग्रुप करके ही ह्यूमन देखता है और उसके बाद एज अ ह्यूमन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोजर मतलब हमने जो स्टार्ट किया वो खत्म होना चाहिए अगर ये नहीं होता है तो वहां पर वो टेंशन जनरेट तब तक हुआ रहेगा जब तक क्लोजर नहीं हो जाता है तो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस में क्या कहते हैं कि कि हम कोई भी चीज को कंप्लीट दिखाते इट विल सॉल्व तभी जाकर के ह्यूमन उसको प्रॉपरली इंटरप्रेट करेगा अगर आपको वहीं पे अगर क्यूरसिटी जैसा कुछ क्रिएट करना है तो आप क्या करेंगे क्लोजर ब्लॉक कर देंगे मतलब क्लोजर होने नहीं देते है जैसे आपको कोई सीरियल है उसको कंटिन्यू करना है तो आप ऐसी जगह उसको जाकर के रोकते हैं आप हमेशा देखते होंगे जहां पे लोगों के मन में वो टेंशन रहे कि आगे क्या होगा आपने वो सेक्रेट गेम्स देखा होगा तो आपने देखा होगा वो लास्ट इज इस, अब इसके आगे क्या होने वाला है बॉम्ब उड़ा या नहीं उड़ा पूरा इंडिया का पॉपुलेशन गायब हुआ या नहीं हुआ हमें वो देखना है अभी भी तो डेट क्रिएट्स अर माइंड तो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी ये तीन चीजें होती हैं एंड लास्ट इज हाउ थिंग्स गेट इंटरप्रेटेड तो जो इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन होगा इट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन हाउ क्लियरली द स्टिमुलस हैज बीन ट्रांसमिटेड क्लैरिटी ऑफ स्टिमुलस क्या है द पास एक्सपीरियंस ऑफ द परसीवर हमारा मान लीजिए कि नेस्ले वाइट चॉकलेट दैट इज वाइट मिल्क उस वाइट uh, चॉकलेट का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है मुझे उसका टेस्ट पसंद नहीं तो नेस्ले कितना भी मिल्की बार का एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छा करके भी दिखाएंगे फिर भी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं अपने सौ रुपए डेयरी मिल्क पे खर्च करूँ या मिल्की बार के ऊपर खर्च करूँ राइट right?

हम कोई भी चीज को खरीदने या उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में परसेप्शन रिस्क का भी होता है मतलब हम रिस्क भी परसीव करते रहते हैं साथ में जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमको एक न्यू क्रीम खरीदने वाले हैं एक आई एम गेटिंग ओल्ड और टीवी में एक एडवर्टीजमेंट देखा कि भाई ओले सेवन लगाने से सेवन डे चैलेंज या मैक का कोई नया क्रीम आया है और उसको लगाने से माई स्किन विल गेट स्मूदर रिंकल्स चले जाएंगे तो ठीक है आई एम गोइंग फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो वहां पर चौते सौ रुपया खर्च कर देंगे और पता नहीं अच्छा होगा नहीं होगा तो दैट इज फाइनेंशियल रिस्क उसके बाद परफॉर्मेंस रिस्क चौथे सौ रुपया खर्च तो कर दिया लेकिन उसके बाद मेरे रिंकल्स हटेंगे या नहीं हटेंगे माई स्किन विल और नॉट करे वो रिंकल्स हटे या ना हटे लेकिन is, लगाते के साथ मुझे एक्स्ट्रा पिंपल तो नहीं हो जाएगा मेरी स्किन और डार्क तो नहीं हो जाएगी डेट इज फिजिकल रिस्क बेसिकली समझ रहे हैं आप और उसके बाद क्या होता है सोशल रिस्क सोशल रिस्क होता है कि लोग क्या कहेंगे बेसिकली सोशल रिस्क यही होता है कि अगर मैं ये मैक का क्रीम लगा रही हूँ तो क्या लोग सोचेंगे कि भाई एक्सेप्टेबल है या नहीं मतलब लोग मानेंगे कि हाँ तुम ये ठीक कर रही हो या फिर मेरी सोसाइटी में ऐसे लोग बहुत सस्ता मांग लेंगे या मेरे सोसाइटी में लोग कहेंगे कि बहुत बन रहे हो ये वो तो वट इज दैट दैट इज अल रिस्क बेसिकली एंड साइकोलॉजिकल रिस्क इज हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट हमारे सेल्फ इमेज के साथ वो पर्टिकुलर वो प्रोडक्ट जा रहा है या नहीं जा रहा है? हमारे सेल्फ स्टीम को मीट करता है या नहीं करता जिकल रिस्क तो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ परसेप्शन हाउ इटेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर वेसरी टू रीट कंज्यूमर परसेप्शन एंड वट आर द रिस्क एसोसिएटेड एज अ मार्केटर हमारा काम है कि हम ह्यूमन के परसेप्शन को गाइड करें ताकि उनका जो डिसीजन है वो हमारे प्रोडक्ट की तरफ मुड़ जाए उनका परसेप्शन इस तरह से बन जाए इतना पॉजिटिव हो जाए कि उनको इफ द पर्सन इज एक्सपोज टू टेन ब्रांड माय ब्रांड एंड दैट इज मोटिव ऑफ स्टिंग एनी अदर थीवियर थैंक यू वेरी मच एंड कैन राइट टू मी एट like